यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। 10 अक्टूबर 2020 आज की साकार मुरली है, मीठे मीठे बाबा के महावाक्य। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठी बच्ची तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझा, बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। प्रश्न, बाबा भारतवासी बच्चों से कौन से प्रश्न पूछते हैं? बाबा भारतवासी बच्चों से कौन से प्रश्न पूछते हैं? तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम देवता थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? इतना दिवाला कैसे निकाला? कारण का पता है क्यों दिवाला निकला हमारा? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहां गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी बातें बाबा बाबा कहे दूसरों को समझाओ। तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। ओम शांति कहने से और क्या याद आना चाहिए? ओम शांति कहने से क्या क्या याद आना चाहिए? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता शांति का सागर है, मुझ आत्मा का घर शांति था। 3 बातें एक साथ याद आए। दुनिया वाले 3 बार ओम शांति बोलते, हम 1 बार बोलें और 3 बातें
याद। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भाव, जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना, तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहां भी सभा में भाषण करने जाते हो वो लोग तो बाप को जानते नहीं, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। कौन पतित पावन है? शिव बाबा पतित पावन है, जरूर पावन बनाने के लिए यहां आकर समझाते हैं, जैसे बाबा यहां तुमको कहते हैं हे बच्चों तुम स्वर्ग का मातुम को स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है, आया नहीं। शिव बाबा कहते हैं मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूं भारत में और राजयोग सिखलाने आता, क्यों आता हूं राजयोग सिखला कहता हूं मामेकम, मुझ ऊंच बाप को याद करो क्योंकि वे बाप देने वाला दाता है, बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं, बाबा कहते हैं तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न पूर्ण देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, क्या थे धनवान, ऐसे थे बहुत धनवान। फिर बाप कहते तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला, कारण का पता है, तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो, सबसे कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहां गए, जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो। तो बहुतों को आकर्षण हो, बहुतों को आकर्षण हो, तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं, वो ताकत नहीं मिलती, नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए, तो कमाल हो जाए। कहते हैं भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है,
नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे ज्वारातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब खीर कांड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया, भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्च करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते हैं, ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो, पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका स्मरण करते हैं, सुख में नहीं करते, परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है। घड़ी घड़ी बाबा बाबा का नाम लेते रहो। तुमको बाबा का संदेश दे, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिव आले स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। तुम ये भी भूल गए, तुम ये भी भूल गए, तुमको ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हैं। कृष्ण को क्या लगाए, कलंक। क्या कलंक लगाए, कृष्ण को क्या कलंक लगाए। मक्खन के बारे में ज्यादा बताया, मक्खन चोरी, मक्खन खाना कोई बुरी बात है, चोरी करके, चोरी करके खाता था इसलिए गलत है। दूसरों की मटकियां फोड़ देता था। मेरे को भी कलंक लगाते हो। कृष्ण को तो कलंक लगाए, चलो कोई बात नहीं, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कहे देते हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं, सर्व का सदगति दाता, पतित पावन मैं। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। तुम क्या करते हो फिर, पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पढ़ते हो, और ही पतित बन पढ़ते हो। मुझे याद करो तो क्या होगा, तुम्हारे विकर्म विनाश। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ,
तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं, बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पति तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, इनके ही बहुत जन्म है, ये अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता ये अपने जन्मों को नहीं जानते। भागीरथ ये है, ये कौन है? भागीरथ कैसे? भाग्यशाली रथ। वो भागीरथ पानी की गंगा लाते, और ये भागीरथ ज्ञान का सागर ले आते। इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूं, जब ये भी बुढ़ा हो जाता है, वानप्रस्थी हो जाता है, तब बाबा कहते मैं आता। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं, ऐसा भाषण किसका सुना नहीं, बाबा कहते मैंने किसी का भाषण ऐसा सुना नहीं। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, झरमोई झगमोई में लगे। और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया, बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है? और अहंकार कितना रहता है? समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हैं, शिव बाबा को तुम भूल जाते हो। ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं, इसको क्यों बिठा दिया ब्रह्मा की जगह पर? ब्रह्मा तो चार मुंह वाला होता है। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहां? दिल्ली तो जब परिस्थान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे, परिस्थान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी, जमुना घाट पर उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था। अभी तो क्या बन गया है? कब्रिस्तान बना है। सब दफन हो जाने हैं, सब दफन हो जाने हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा
ऐसे 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 बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हैं, बाबा नाम नहीं लेते हैं, लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं। ऐसे सुनाते हो जैसे मैं सुना रहा हूं, जबकि क्या कहो, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जोहर ताकत नहीं भरता। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती हैं वो तुमसे जास्ती याद में रहती। कितना पुकारती हैं, बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो ना, अब तुमको नग्न होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई बहुत होती हैं जिनको कल्प पहले भी क्या नाम दिए थे, पूतना। तुम भूल गए हो, बाप कहते हैं भारत जब शिव आलय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता है, यहां फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वे समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, हम स्वर्ग में। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़े ही, हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं। जबकि सर्व का सदगति दाता एक है, सबका सदगति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो, फिर गुरु की क्या जरूरत पड़ जाती है। हाँ, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। क्या तुमको सन्यासी बनना है, क्या हटकर हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है। तो लीन लीन तो कोई हो नहीं सकता। पार्ट सबको बजाना है, सब एक्टर अविनाशी हैं। आत्मा जाकर परमात्मा में या ब्रह्म लोक में समा जाए तो फिर सतयुग में कैसे आएगी। ये अनादि अविनाशी पार तो सबको बजाना है ना, सब एक्टर्स अविनाशी है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा जिसका आरंभ नहीं और जिसका अंत नहीं। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है। बाप कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने हूं। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है, अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। तुमको मालूम ही नहीं है कि तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं, पूरी दुनिया में एक भी पूज्य नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम गुलामी करते हो।
श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न वो ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा। सर्वगुण संपन्न वे ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा। श्री कृष्ण तो छोटा सा बच्चा और कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता है, उसकी शादी नहीं हुई। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी, जंग कैसे उतरेगी। तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। और तुम कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया। ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो, तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा कहते बहुत मदद करते रहते, बाबा बहुत मदद करते रहते हो, तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चीटी मारक की सेवा है। चीटी मारक की सर्विस करते हो, बाबा का नाम लेंगे तभी किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 जन्मों का पाठ बजाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूं, जो पूज्य थे वे पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं। मैं तो पूज्य पुजारी दोनों नहीं बनता। बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चीटी से मकोड़े भी नहीं बने। बाप कहते पढ़ाता हूं, तुम सिर्फ मामेकम मेरा कहना मानो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूं कि मुझे एक बाप को याद करो। रथ को थोड़ा ही याद करना है, शरीर को तो याद नहीं करना ना। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो, अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो। कई कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं।
माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं तुम ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है माया, और किस, और कौन बताएगा माया किससे कहा जाता है। नहीं है जो गुणों का अभाव ही माया है, अवगुण माया है। किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है, तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते, फुर्सत ही नहीं क्या, बाप को याद नहीं करते तो फिर तीर नहीं लगे। क्यों? क्योंकि तुम क्योंकि याद का बल नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कुछ कह नहीं सकेगा। सर्व का भगवान बाप तो एक ही है या सभी भगवान हैं? कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोवर्स हैं, अब वो सन्यासी और तुम गृहस्थी तो तुम फॉलोवर्स कैसे ठहरे? गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा ये संसार। इस झूठे संसार में सब सारा का सारा संसार झूठा है। सच्चा तो एक ही बाप है, वो जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते। हम सच्चे सच्चे नहीं बन सकते जब तक बाबा ना आए। कितनी वंडरफुल लाइन है, वे जब तक ना आए बाबा ना आए हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में था, अब सावधान हो आंखें खोलो। बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे। कौन कहता है? बाबा कहता है, हम तो नहीं कहते। बाबा कहता है, हम नहीं कहते। ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाप समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है, पहले पहले है देवी सनातन देवी देवता, अब वे धर्म क्या बदल गया है, वही धर्म वही देवताएं कहां गए? लाखों वर्ष कहे देते हैं, ये तो 5,000-6,000 कितना बदल, देखो ना 5,000 वर्ष का ड्रामा और उसे कभी खत्म होने नहीं देते। तो मंदिर भी उन्हों के बनाते हो,
दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गल मरे। फिर क्या था, फिर क्या हुआ? मैं तो तुमको अहिंसक बनाता हूं, मैं कैसे हिंसा करूंगा? वैष्णव बनाता हूं, काम कटारी ना चलाना, तुमको ही वैष्णव कहते हैं, वो है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़, हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, झारमोई झगमोई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देश सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। जो कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव, किस काम में रहना है? विश्व के आधार मूर्त भव, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते, समझ गए भाई? इतना बिजी रहना है, सपने में भी बिजी। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान्स या बहुत प्रकार की बातें दिखाई देते रहेंगे ना, नए नए प्लान, नए नए तरीके, नई नई विधियां आती रहेंगी। सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहे, उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनाने का वरदान प्राप्त है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकेंड वर्षों के समान, इसलिए याद की इसलिए अलबेले पर में समय नहीं गवाओ। ओम शांति।